श्रमिक एल्गार, गुगुस ट्रांसपोर्ट यूनियन वनी एरिए ने शुरू किए आंदोलन को सफलता मिली। स्थानिक घुगुस परिसर के कोयला यातायात धारकों के 70% वाहन द्वारा यातायात करें, यातायात के दर बढ़ाकर दिए जाए, इन दो प्रमुख मांगों को लेकर वैनगंगा प्रोजेक्ट कोल माइंस पर यूनियन ने आंदोलन कर बाहर की गाड़ियां रोकी, जिसे समीप के सभी व्यापारियों ने यूनियन की मांगे मान्य करने पर गाड़ियां खदान में भेजी गई। इस समय श्रमिक एल्गार की अध्यक्ष एडवोकेट पारोमिता गोस्वामी, विजय सिद्धावार, यूनियन के अध्यक्ष रविश सिन्हा, शैलेश गिरी, राजकुमार गोडसेलवार, संतोष वर्मा, सतीश देवतड़े ने इस समय मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में मोहम्मद हनीफ, दिलीप पांडे, अनिल ठाकुर, अमोल थेरे, नहीम सिद्दीकी और यूनियन के अनेक पदाधिकारी और ट्रांसपोर्टर उपस्थित थे। श्रमिक एल्गार घुगुस ट्रांसपोर्ट यूनियन की स्थापना का अल्प कालावधि में ही सफलता प्राप्त करा देने से स्थानिक यातायात धारकों ने आनंद व्यक्त किया। जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है, तभी सिस्टम्स बन पाएंगे, तभी कोई व्यवस्था बन पाएगी, तभी हम लंबी लड़ाइयां लड़ पाएंगे। आप आज ही देखेंगे, आज थोड़ा बहुत देख लिया, चलिए अब गाड़ी वाड़ी लगने लगे और हम लोग चले गए, एक इधर चले गए, एक उधर चले गए, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। दूर का सोचिए, लंबा सोचिए, लंबी लड़ाई की सोचिए, लंबी जीत की सोचिए, ज्यादा से ज्यादा कैसे हासिल कर सकते ये सोचिए। उसके लिए किसी भी हालत में हमको कानून से करना है। कानून ने बहुत कुछ दिया है यूनियन के हक में, मजदूरों के हक में, वो हमको लेना है, हासिल करना है। जितना कोई भी गैर कानूनी का कदम हमको नहीं उठाना है। इसलिए जितने मेरे पुलिस भाई आए हैं आज गढ़ चांदूर से, उनको मैं स्वागत करती हूँ साहब आपका, लेकिन आश्वस्त रहिए, आप 151 की नोटिस दे चाहे 151 की नोटिस न दे, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपका काम बढ़े, वो करने की जरूरत नहीं है।